शनिवार सुबह 6:30 बजे इज़राइल पे हमला हुआ। मैं मात्र इज़राइल से 4 घंटे दूरी पर था जब मुझे पता चला। आई वॉज इन UAE। 10:30 बजे उनके प्राइम मिनिस्टर आए लाइव। उन्होंने आके कहा, हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया था, ये हम पे थोपा गया है। हमने शुरू नहीं किया है लेकिन अब इसे हम खत्म करेंगे। उसके बाद गाजा इज़राइल, इज़राइल गाजा, आप अपने मोबाइल में देख लो, आपके पास सिर्फ वीडियो से यही आते होंगे, आजकल न्यूज में यही चल रहा है। कभी आपने सोचा है गांव गांव गली गली में परमेश्वर इन इन खबरों को क्यों वायरल होने दे रहा है कि इज़राइल में युद्ध चल रहा है? परमेश्वर, आपको पता है पास्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है अब परमेश्वर स्वयं सुसमाचार प्रचार कर रहा है। गॉड हिमसेल्फ नाउ ही इज प्रीचिंग द गॉस्पल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके पास कितना कम समय बचा है। पढ़ा है आपने बाइबल में मगोग? कौन है ये मगोग? लिखा है ना, तब खुदा उसे जौ से पकड़ के ले आएगा। ये सब वही कंट्रीज हैं जो इज़राइल के खिलाफ खड़ी हुई हैं। मगोग ये रशिया का पुराना नाम है। खुदा आपको दिखाना चाहता है कि वो आ रहा है। क्या आप उसके प्रति गंभीर हो? क्या आप सीरियस हो? मेरे साथ फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग खुदा के खादिम को सुनने आते हैं लेकिन उसको सुन ही नहीं पाते। भूखा पास्टर मरे, उपवास पास्टर करे, सारी रात बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन पास्टर प्रार्थना करे, जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी हाथ रख दो, क्या होगा मुझे बताओ? पूछो बाजू वाले से, इनका हाथ रखने से क्या होगा? पूछो, पूछो बाजू वाले से, पूछो। आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ले हैंड प्रेयर, ले ले हैंड, ले ले हैंड, ले हैंड प्रेयर। कुछ लोग तो पैसे भी लेते हैं इसके। अरे उसका हाथ आना चाहिए अपने ऊपर, उसका हाथ आएगा ना, ब्लेस्ड होंगे आप। हमारा हाथ, हम रोज पाप करते हैं। कोई है यहां पर जो कहता है मुझसे पाप नहीं होता? कौन है ऐसा परम पवित्र, कौन है इधर? एवरी डे वी सिन, हर दिन हमसे पाप होता है। ऑनेस्टली कहूं, कभी कभी तो जान बूझ कर भी। आप जानते हो मैं एक बोल्ड प्रीचर क्यों हूं? क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से कोई प्यार ही नहीं है। आई डोंट केयर मेरा प्रचार सुनने के बाद कितने लोग मुझसे नाराज होंगे। एक ही है जो खुश रहना चाहिए, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मीटिंग में कितने लोग आएंगे, मुझे फर्क पड़ता है वो आना चाहिए। आमीन। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर व्हाई यू आर अ बोल्ड प्रीचर, आप इतना हियाव से बोलते हैं। मैंने उनको उत्तर दिया, आई रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल। मैं परमेश्वर की हुजूरी को लोगों की उपस्थिति से अधिक आदर देना पसंद करता हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, सत्य को प्रेम में बोलना जरूरी है। हाँ, कभी भी डरा मत करिए, अपनी इज्जत की परवाह मत किया करिए। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ब्रदर देखो ना मेरे बारे में वो लोग क्या सोचते रहते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए छोड़ दो,
ब्रदर हाँ, देखो ना मेरे लिए क्या क्या लोग बोलते हैं, सोचते हैं, बहन कुछ तो उनके लिए छोड़। बी ए गुड लिसनर, अच्छे व्यक्ति बनो, सुनने वाले व्यक्ति। जब भी आप चर्च जाते हो ना, किसी चीज पे ध्यान मत दो, जो परमेश्वर का दास कहता है ना, उसका एक एक शब्द सुनो। मैं आपको सच कहता हूं, अधिक बोलने वाले अधिक पाप भी करते हैं, अधिक सुनने वाले हमेशा आशीषित रहते हैं। बिलीव मी, बाइबल कहती है जहां बातें अधिक होती हैं वहां गुनाह भी अधिक होता है। मैं आपको आज भी बताता हूं, अगर हमारी जुबान बंद की जाए ना, आपका 90% पाप बंद हो जाएगा, 90% पाप जानते हो कौन करता है? चलो अपनी प्यारी प्यारी जुबान दिखाओ। हाँ बिल्कुल, और हमारी बहनों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। च्युइंगम को कैसे खींचना है, किधर तक खींचना है, वो तो आपको बहन ही बता सकती। एक दिन मैं ट्रेन में कहां जा रहा था, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में वॉशरूम के बाजू में चार्जर होते थे, याद है, लोग उधर ही खड़े रहते थे। वहां दो बहनें खड़ी थी, आपस में बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, दीदी फोन चार्ज करना है, देख नहीं रहे हो हमारा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे के बाद आऊं। या बोलिए या। बहुतों को इंग्लिश नहीं आती ना, वो या करते या। आधे घंटे के बाद में क्या, दीदी अभी कर लूं, देखो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं गया वापस, मैंने कहा चल और आधा घंटा, मेरे को नींद आ गई। मैं 3 घंटे के बाद आया हूं, उधर ही खड़ी है वो ही दोनों, बातचीत चालू है। मैंने कहा दीदी हो गया? भैया हो गया था, लेकिन मैंने बात कर ली, फिर से पूरा हो गया, फिर आ गई। मैं समझ गया ये मुझे नहीं करने देगी, मैं चला आया। मैंने कहा मेरा फोन बंद हो जाए, 3 घंटे से बहन एक ही जगह पे खड़ी है। मेरा मन कर रहा था मैं उनसे पूछूं, बहन आपको पीछे एक्स्ट्रा बैटरी लगा हुआ है क्या बात करने के लिए? आज मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आप कितना बोलते हैं? क्या आपने कम बोलना सीखा? नहीं नहीं, मुझे मत देखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने कम बोलना सीखा? मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, खुदा इस बात का गवाह है, मैं आपको पाप करने से बचा रहा हूं। कुछ लोगों की जुबान उनकी बहुत बड़ी मुसीबत है, उन्हें पता ही नहीं चलता है, चालू है बड़ 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 चालू ही रहता है उनका। एक ही मुंह से परमेश्वर की आराधना और एक ही मुंह से लोगों को श्राप, बाइबल बताती है ये ठीक नहीं है। एग्री? कोई सहमत है मुझसे? पहले भाइयों ने हां बोला है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, आज से कम बोलेंगे अपन। हाँ, जब आप कम बोलेंगे ना, आपको घुटन भी होगी। मैं सच बोलता हूं, आपको घुटन भी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग के पास बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए रहता है। तो कितने लोग तैयार हैं आज को सुनने के लिए? आधा घंटा हो भी गया, कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? मेरे बाहर वाले लोग बहुत अच्छे हैं, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब चिल्ला रहे हैं, वेरी गुड सिस्टर्स। इस तरफ के लोग, पीछे वाले, अभी आपकी बारी।
वाओ प्रेज द लॉर्ड. आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. चलिए मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय. ओपन विद मी, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय. और कोई इंग्लिश पढ़ता है? ओके, इन इंग्लिश सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20. सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय. सभी खोल लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं. सबने ओपन किया? ओके, मैं पढूं? 20 का मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 20 अध्याय का 21वां वचन, 21. तब यहां लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. आमेन. आइए सब लोग अगर हो सके तो उस वर्ड को टिक करिए. वर्ड को हो सके तो बुकमार्क करिए, टिक करिए. ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए. अपनी अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, बस मैं और कोई रेफरेंस नहीं खुलवाऊंगा. आइए सब सामने देखिए. ये इज़राइल का थीम सॉन्ग है, ये इज़राइल के लोगों का थीम सॉन्ग है, गीत है. अधिकतर फंक्शंस पे, पर्वों पे, फेस्टिवल्स पे वो यही गीत गाते थे, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. बड़े ध्यान से सुनिए, अगर एक चीज का अर्थ समझ में आ जाए तो उसे करने का मजा बदल जाता है. मैंने कई साल तक प्रभु भोज ऐसे ही लिया था. मुझे लगता था वो एक रोटी है, वो एक ग्रेप जूस है, वो एक दाखरस है, मैं उसे ले सकता हूं. लेकिन जिस दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रभु भोज का अर्थ समझाया, उसके बाद प्रभु भोज की विधि मेरे लिए पूरी तरह बदल गई. आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा मेरे सिमरण में यह करना, जब भी तुम इसे खाओ मुझे याद करना. अधिकतर लोग आप देखते रहेंगे जब उनके हाथ में ब्रेड आती है, उनके हाथ में ग्रेप जूस आता है, बस वो आंखें बंद करते हैं, उनका मन यहां वहां भटकता है. जब पास्टर बोलता है चलो खा लें, हम खा लेते हैं. कितने लोग हैं यहां पर जब आपके हाथ में रोटी आती है तब आप ये याद करते हैं कि इस रोटी की तरह वो तोड़ा गया है. मैं इसीलिए कहता हूं, डोंट जस्ट फॉलो द रिचुअल्स. सिर्फ धार्मिक जो आपको सिखाया गया है सिर्फ वो मत करो, जानो कि उसका अर्थ क्या है. स्तुति आराधना, मुझे लगता था स्तुति का मतलब फास्ट गीत, आराधना का मतलब स्लो गीत. अधिकतर लोगों को यही पता है स्तुति मतलब फास्ट गीत, और जैसे ही गीत गाने स्लो हो गए ओ आराधना. मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जिस दिन खुदा ने मुझे समझाया भाई स्तुति
इसका मतलब मुझे प्रेस करना है। आराधना एक लाइफस्टाइल है। जब तू आराधना, जब तू एक अच्छी जिंदगी जीता है, तब भी तू मेरी स्तुति अच्छे से कर सकता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से, कहिए सच्चाई से। अभी ये देखो, समझो एक लड़का है अपने चर्च में, वो 6 दिन 5-5 घंटे पबजी खेलता है। क्या खेलता है? बोलो पबजी, या तो एक और नई गेम आई है, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश खेलता है हर दिन 5 घंटे 6 घंटे, गुस्सा रहता है। लेकिन रविवार के दिन प्रभु के पास आके कहता है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। 5 घंटे पबजी रोज खेलता है। अब मुझे बताइए, इसके गीतों में कोई सच्चाई है? क्या है वो? सिर्फ गीत है। यीशु ने कहा, जब तुम आराधना करो तो सच्चाई से करो। इसका मतलब जो तुम कह रहे हो, क्या वो तुम्हारे जीवन में है? अगर जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो मेरे जिंदगी का मकसद खुदा है, लेकिन आप 6-6 घंटा पबजी खेलते हो, घूमते रहते हो, आपको खुदा के लिए समय नहीं है, तो माफ कीजिए, आपकी आराधना आराधना नहीं, मात्र एक झूठ है। सोचो, एक बंदा है, उसके पास आपके पैसे हैं, आपको सच में पता है वो आपको नहीं दे पाएगा, उसकी तकलीफ है बहुत, आप रोज उसको धमकियां देते हैं, ए मेरा पैसा कब देगा, पैसा देगा नहीं, नहीं देगा तो मार दिए वो। सोचो आप 6 के 6 दिन उसको धमकियां देते हैं और 7वें दिन आप चर्च में के गाना गा रहे हैं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा। उसका 2,000 रुपया नहीं माफ कर रहा है। अब मुझे बताइए, ये गीत है कि झूठ है? इसलिए मैं कहता हूं, जब चीजों को समझ के किया जाता है ना, तो उसके करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको इस तरह की 1,000 बातें बता सकता हूं जो लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। हालेलुया, कहिए मेरे पीछे, जो मैं कर रहा हूं उसे समझना है। हाँ,